कांग्रेस आज जारी कर सकती है लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। सीईसी की बैठक में 40 प्रत्याशियों के नाम फाइनल। वायनाड से चुनाव लड़ेंगे राहुल गांधी। पीएम मोदी का आज से दो दिन का असम दौरा। 18,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, राजनांदगांव से भूपेश बघेल लड़ेंगे चुनाव। सूत्रों के मुताबिक केरल के सभी सांसदों को फिर से टिकट मिला। कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के करीब आधा दर्जन सीट पर कैंडिडेट तय। सीसी की बैठक में पूर्वोत्तर के 5 राज्यों की सीट पर प्रत्याशियों के नाम फाइनल। सूत्रों के मुताबिक त्रिपुरा में कांग्रेस ने एक सीट सीपीएम के लिए छोड़ी। त्रिपुरा में कांग्रेस सीपीएम के साथ चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप से उम्मीदवारों के नाम फाइनल। जल्द होगा आधिकारिक ऐलान। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर कांग्रेस नेता दीपक भावरिया ने कहा, सभी सीटों पर चर्चा हुई। केंद्रीय चुनाव समिति की फिर होगी 11 मार्च को बैठक। कांग्रेस सीसी की बैठक खत्म होने के बाद सचिन पायलट ने कहा, सभी पहलुओं पर हुआ विचार, सीटों पर हुई चर्चा, जो चुनाव जीतने की स्थिति में उसे पार्टी देगी मौका। अमित शाह से मिले टीडीपी अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण। गठबंधन और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद। चाचा पशुपति पारस की तनातनी की खबरों के बीच चिराग पासवान ने की बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात। दिल्ली में नड्डा के आवास पर हुई बैठक में सीटों को लेकर चर्चा होने के प्रयास। सीट शेयरिंग पर चिराग की पार्टी एलजेपी रामविलास के नेता राजू तिवारी ने कहा, 2014 में थी 7 लोकसभा सीट, 2019 में 6 लोकसभा और 1 राज्यसभा सीट, आज एनडीए में हमारी इतनी भागीदारी बनती। बिहार बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं ने अमित शाह से की मुलाकात। मीटिंग से पहले नित्यानंद राय के घर हुई कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा और सुशील मोदी भी शामिल हुए। और चलिए अब बात करते हैं लोकसभा चुनाव को लेकर सीट शेयरिंग की खबरों पर। महाराष्ट्र एनडीए में सीट शेयरिंग पर पेच फंसा है। वहीं एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर एनसीपी नेता छगन भुजबल ने सवाल उठाए। कहा, हमारे और शिवसेना के विधायकों की संख्या लगभग बराबर, सीट का बंटवारा भी बराबर होना चाहिए। छगन भुजबल से बयान से तिलमिलाए शिंदे गुट के शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा, भुजबल की पार्टी हमारा मुकाबला नहीं कर सकती। हमारी पार्टी में 13, उनकी पार्टी में सिर्फ 1 सांसद। छगन भुजबल के बयान पर बोले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सभी को सीट मांगने का अधिकार, सबका किया जाएगा सम्मान। जल्द होगा लोकसभा चुनाव के लिए सीटों को बंटवारा। एमबीए में सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट नसीम खान, प्रकाश आंबेडकर रहेंगे हमारे गठबंधन के साथी, मोदी सरकार को हराने, संविधान को बचाने के लिए साथ आए। कांग्रेस नेता विजय वेदतीवार का बयान, 4 दल है तो सुझाव, बातचीत और नतीजा आने में लगता है वक्त। जिस गठबंधन में 3 पार्टियां, वहां भी नहीं हुआ सीट शेयरिंग पर फैसला। गुजरात में कांग्रेस की भारत जोड़ो नया यात्रा। दाहोद में राहुल ने कहा, 90 लोग तय करते हैं देश का बजट, जिसमें 1 आदिवासी और पिछड़े वर्ग से 3 लोग। सही बजट आवंटन के लिए जाति जनगणना जरूर। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, 2-3% लोगों को दी जा रही देश की संपत्ति, एक ही व्यक्ति को दिए जा रहे ड्रोन हथियारों की ठेके। राजस्थान के बांसवाड़ा में राहुल गांधी ने कहा, जैसे हमने रोजगार का अधिकार दिया था वैसे सभी युवाओं को देंगे अप्रेंटिसशिप का अधिकार। 1 साल की अप्रेंटिसशिप और 1,00,000 की मिलेगी मदद। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया दावा, नहीं चल रहा देश का माहौल ठीक। जिस तरीके से केंद्र सरकार लोगों के घर भेज रही ईडी, आयकर विभाग की टीम, उससे लोग डरे हुए। महिला दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी का देश को बड़ा तोहफा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपए छूट देने का किया ऐलान। करोड़ों परिवारों को होगा फायदा। शॉटगन ने पीएम मोदी के 370 पर दिए बयान को लेकर क्या कहा, देखिए 9 सेकंड न्यूज। पीएम मोदी के कश्मीर दौरे पर बोले टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा, धारा 370 को भुनाने की कोशिश, असल मुद्दों से भटकाने के लिए वो इधर उधर का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस पर लगाया गद्दारी करने का आरोप। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा, विपक्ष गद्दारी भी कर रहा है और मक्कारी भी, कांग्रेस की गद्दारी पकड़ी गई तो गलती नहीं मानी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की अमेठी से भी लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, लगता है गांधी परिवार कर गया पलायन, यूपी की जनता करारा जवाब देने के लिए कर रही है प्रतीक्षा।
लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के ऐलान पर प्रयागराज में बोले अखिलेश, जल्द घोषित हो जाएंगे प्रत्याशी। पेपर लीक पर कहा, नौकरी देने की नीयत नहीं, इसलिए पेपर लीक करा रही है सरकार। किसान नेता नरेश टिकैत के आशीर्वाद लेने पहुंचे मंत्री सचिव बालियान। नरेश टिकैत ने कहा, दो दिन पहले हरेंद्र मलिक आए थे, हम किसी को रोक नहीं सकते मगर चुनाव में किसी का समर्थन नहीं करते। एसबीएसपी नेता ओम प्रकाश राजभर ने बेटे अरविंद राजभर को घोषित किया घोसी लोकसभा सीट से प्रत्याशी। अरविंद राजभर ने कहा, बूथ लेवल के साथियों ने लिया फैसला, लोकसभा चुनाव एनडीए के साथ मिलकर लड़ रही है एसबीएसपी। एनडीए में सीट शेयरिंग पर अपना दल एस नेता अनुप्रिया पटेल ने कहा, बीजेपी से हो चुकी है चर्चा, हम नहीं करते बार्गेनिंग की राजनीति, पल्लवी पटेल से संपर्क पर कुछ भी कहने से इनकार। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साझा चुनावी अभियान के लिए बनेगी समन्वय समिति। कांग्रेस नेता अरविंदर सिंह लवली ने कहा, एक दो दिन सुभाष चोपड़ा की अध्यक्षता में बनेगी समिति। कांग्रेस के दिवंगत नेता और केरल के पूर्व मुख्यमंत्री के करुणाकरण की बेटी पद्मजा वेणुगोपाल बीजेपी में शामिल। कहा, पहली बार बदली पार्टी, सोनिया का बहुत सम्मान लेकिन उन्होंने कभी मिलने का समय नहीं दिया। अगले दो साल लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेगी बीजेपी नेता उमा भारती। कहा, चुनाव लड़ी तो अपने क्षेत्र और नमामि गंगे का काम एक साथ नहीं कर पाऊंगी। चुनाव से पहले केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, उज्ज्वला योजना पर सब्सिडी 31 मार्च 2025 तक बढ़ाई गई, 603 रुपए में मिलता रहेगा उज्ज्वला सिलेंडर। नौ सेकंड न्यूज में अब राजनीति से जुड़ी कुछ और अहम खबरें देखते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र फिर हमलावर, विपक्ष कांग्रेस ने लगाया नेताओं की सुरक्षा में कटौती का आरोप। ममता बनर्जी ने कहा, पश्चिम बंगाल में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य, बीजेपी नेता संदेश खाली को लेकर फैला रहे गलत जानकारी, बीजेपी शासित राज्यों में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार पर चुप है। संदेश खाली में शाहजहां के घर और मार्केट पहुंची सीबीआई की टीम, ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में सीबीआई कस्टडी में शाहजहां, 55 दिन से फरार शाहजहां को सीआईडी ने किया था गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल में ईडी टीम पर हमले का मामला, बनगांव में सीबीआई टीम ने की जांच, पीडीएस मामले में आरोपी शंकर आध्या की गिरफ्तारी के लिए गई थी ईडी की टीम। सियासी संकट से निपटने के बाद पहली बार दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज प्रियंका और खड़गे से करेंगे मुलाकात, ताजा हालात की देंगे जानकारी। लोकसभा चुनाव के पहले सरकार का बड़ा फैसला, केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया, 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा फायदा। केंद्रीय कैबिनेट ने कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 285 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की, असम बिहार उड़ीसा बंगाल के 40 लाख किसानों को मिलेगा फायदा। केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया एआई मिशन को मंजूरी दी, योजना पर 5 साल में 10,371 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पीएम मोदी ने तकनीक और नवाचार के लिए एक ऐतिहासिक दिन बताया। लोकसभा चुनाव से पहले केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में 2024-25 तक बिजली सब्सिडी जारी रखने का ऐलान। दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली फ्री और 400 यूनिट तक 50% दी जाती है सब्सिडी। एसपी सांसद एसटी हसन का बयान, मदरसे में अगर गैर कानूनी काम हो तो करें कार्रवाई, मदरसों को बेवजह बदनाम किया जा रहा, सीएम योगी से की गुजारिश, कहा मदरसों की मदद करें मुख्यमंत्री। हरियाणा में दीपेंद्र हुड्डा के धमकी वाले वायरल वीडियो पर गृह मंत्री अनिल विज ने कसा तंज, कहा इनके काम करने का यही तरीका, सत्ता में रहते हुए अधिकारियों पर दबाव बनाकर कराए होंगे कई गलत काम। नौ सेकंड न्यूज में अब वक्त है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और देश की दूसरी बड़ी खबरों पर नजर डालने का। पीएम मोदी आज प्रदान करेंगे पहला राष्ट्रीय रचनाकार पुरस्कार, 3 अंतर्राष्ट्रीय रचनाकारों सहित 23 लोगों को मिलेगा सम्मान, दिल्ली के भारत मंडपम में होगा कार्यक्रम। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भारतीय वायुसेना के 2 लड़ाकू स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति सम्मान से करेंगे सम्मानित, 221 स्क्वाड्रन और 45 स्क्वाड्रन को राष्ट्रपति मानक प्रदान करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे, बेंगलुरु में इसरो वैज्ञानिक से मिलेंगे राष्ट्रपति, कोयम्बटूर में ईशा योग केंद्र जाएंगे धनखड़। आज अमित शाह राष्ट्रीय सहकारिता डेटाबेस करेंगे लॉन्च, साथ ही 2023 पर एक रिपोर्ट करेंगे जारी, डेटाबेस के लिए 8 लाख से अधिक सहकारी समितियों को किया गया शामिल। राजस्थान सरकार में मंत्री सुरेश सिंह रावत का बयान, कांग्रेस सरकार के दौरान कई पेपर लीक हुए पर कार्रवाई नहीं हुई, लेकिन बीजेपी की सरकार में एक भी पेपर लीक नहीं होने देंगे। सीबीआई ने रूस यूक्रेन युद्ध में भारतीयों की तस्करी में शामिल नेटवर्क का किया भंडाफोड़, रूस में नौकरी के नाम पर भेजने वालों के खिलाफ सीबीआई ने केस दर्ज किया। मानव तस्करी को लेकर सीबीआई का बड़ा एक्शन, दिल्ली मुंबई समेत 7 शहरों में 10 जगहों पर सीबीआई की रेड, रूस यूक्रेन भेजने वाली कई वीजा फॉर्म एजेंट पर छापे, संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। पंजाब में कैबिनेट मंत्री कुलदीप धालीवाल ने केंद्र सरकार और रशियन एम्बेसी को लिखा पत्र, युवाओं को वापस लाने की मांग, रूस में युवाओं को यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के मैदान में उतारा गया। कश्मीरी प्रोफेसर जावेद अहमद पर दर्ज सभी केस खत्म करने का सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया,
प्रोफेसर ने आर्टिकल 370 हटाने के दिन 5 अगस्त को काला दिन कहा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कहना अपराध की श्रेणी में नहीं। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ी। 19 मार्च तक जेल में ही रहेंगे संजय सिंह और मनीष सिसोदिया। गैंगस्टर रजाज लखड़ावाला को ही उम्रैद की सजा। डी कंपनी के सैयद हुसैन की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया। संसद की सुरक्षा में चूक का मामला, दिल्ली पुलिस ने कोर्ट से जांच पूरी करने के लिए मांगा और समय। कोर्ट ने अर्जी पर जेल में बंद आरोपियों को नोटिस जारी कर 11 मार्च तक जवाब मांगा। अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों की बात करते हैं 9 सेकंड न्यूज। यूपी सरकार का बड़ा फैसला, 17 मार्च को होने वाली पीसीएस की प्री परीक्षा स्थगित की गई, अब जुलाई में कराई जा सकती परीक्षा, जल्द घोषित की जाएगी परीक्षा की तारीख। नू में हरियाणा पुलिस के कमांडो ने संभाली चंद्रावती स्कूल की सुरक्षा की जिम्मेदारी, कड़ी सुरक्षा में छात्र दे रहे बोर्ड परीक्षा। कुछ दिन पहले परीक्षा केंद्र के बाहर नकल का वीडियो वायरल हुआ था। उत्तराखंड के मसूरे में गुलदार को वन विभाग की टीम ने पकड़ा, गुलदार पकड़े जाने के बाद लोगों ने ली राहत की सांस, लंबे समय से गुलदार ने कई गांव में फैला रखी थी दहशत। यूपी के ग्रेटर नोएडा में गौर सिटी सोसाइटी 2 में आग लगने से मचा हड़कंप, सोसाइटी के 16 एवेन्यू की दूसरी मंजिल में कई फ्लैट में आग लगी, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। एमपी के भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर हुआ साड़ी वॉकथॉन, 300 से ज्यादा प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य संदेश आत्मनिर्भर नारी गर्व से पहनो साड़ी। हरियाणा के रेवाड़ी में शादी के बाद किसान की बेटी की हेलीकॉप्टर से विदाई, विदाई समारोह में उड़ा जनसभा, हेलीकॉप्टर से विदाई बना चर्चा का विषय। तेलंगाना के जगतियाल में चलती कार में आग लगी, देखते ही देखते आग का गोला बनी कार, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया, कार में आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं। तमिलनाडु के डिंडीगुल में कोड़ाई कनल के जंगलों में फैली आग, गर्म हवाओं से जंगलों में आग का कब्जा, आसमान में उगते धुएं के गुबार, जंगलों के चारों तरफ फैला धुआं। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का तेजी से चल रहा दूसरे चरण का काम, इसी साल पूरा हो जाएगा मंदिर निर्माण का काम, मंदिर में अब तक 75 लाख भक्त कर चुके हैं दर्शन। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आग का तांडव, एक घर में लगी भीषण आग से हड़कंप, हादसे के बाद इलाके में मची अफरा तफरी, कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई, आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया। ओडिशा के झारसागुड़ा में सड़क हादसे के बाद टैंकर में लगी आग, कड़ी मेहनत के बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, हादसे में एक शख्स की मौत। महाशिवरात्रि व्रत रखने से आपको क्या मिलेगा देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज। आज देशभर में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का महापर्व, शिवालयों में शिव भक्तों का बड़ा सैलाब, शिव मंदिरों में भगवान शिव के जयकारों से गूंजे। महाशिवरात्रि पर उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा करने के लिए भक्त उमड़े, भस्म आरती की तस्वीरें सामने आई, हजारों श्रद्धालुओं ने मंदिर में पहुंचकर दर्शन किए। उज्जैन में महाकाल के दर्शन के लिए पहुंच रहे शिव भक्त 44 घंटों तक लगातार दर्शन की व्यवस्था, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात, 12 लाख शिव भक्तों के आने की संभावना। हरिद्वार में महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर में विशेष आरती का आयोजन, भगवान शिव के अद्भुत श्रृंगार को देखने पहुंच रहे शिव भक्त, भगवान शिव की ससुराल है दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर। मुंबई में महाशिवरात्रि की धूम, शिव भक्तों ने बाबुलनाथ मंदिर में किए दर्शन पूजन, बाबुलनाथ मंदिर में भगवान शिव के जयकारों की गूंज, मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब। ओडिशा के पुरी में महाशिवरात्रि की धूम, सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने समुद्र किनारे रेत पर बनाए 500 शिवलिंग, भगवान शिव की रेत पर बनाई प्रतिमा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में ईशा योग सेंटर में महाशिवरात्रि की धूम, विभिन्न देशों से महाशिवरात्रि के मौके पर पहुंचे हजारों लोग, आज शाम ईशा योग सेंटर पर होंगे भव्य कार्यक्रम, सभी तैयारियां पूरी की गई। दवाई लेने से कहीं बिगड़ तो नहीं रही आपकी सेहत, इसी से जुड़ी खबरों को देख लेते हैं 9 सेकंड न्यूज। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने नकली दवाई के अवैध धंधे का किया भंडाफोड़, करोड़ों की नकली दवाइयां बरामद की, 10 आरोपी गिरफ्तार, 2 फैक्ट्रियों को किया गया सील। दिल्ली पुलिस ने सेक्सटॉर्शन रैकेट का किया भंडाफोड़, 2 सगे भाइयों को किया गिरफ्तार, दोनों आरोपी अब तक 25 लोगों को बना चुके थे शिकार, अश्लील वीडियो से करते थे लोगों को ब्लैकमेल। बिहार के मुजफ्फरपुर से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 2 शूटर गिरफ्तार, भारत से नेपाल भागने की फिराक में थे दोनों शूटर, कई आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं दोनों आरोपी। कानपुर में एसपी विधायक इरफान सोलंकी के ठिकानों पर ईडी का छापा, सोलंकी के भाई रिजवान और करीबियों के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी के दौरान कुछ दस्तावेज और लैपटॉप बरामद किए गए।
और अब नजर डालते हैं खेल, फिल्म और मौसम से जुड़ी खबरों पर 9 सेकंड न्यूज। भारत इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे पांचवें और आखिरी टेस्ट मैच का दूसरा दिन, पहले दिन भारत ने इंग्लैंड को 218 पर समेटा। WPL में मुंबई इंडियंस की टीम ने यूपी वॉरियर्स को 42 रन से हरा दिया। इस मुकाबले में मिली जीत के साथ ही मुंबई इंडियंस ने 6 मैच में अपनी चौथी जीत दर्ज कर ली है। WPL में आज दिल्ली कैपिटल और यूपी वॉरियर्स के बीच होगा मुकाबला। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दोनों टीमों के बीच होगी भिड़ंत। फिल्म तन्वी द ग्रेट का निर्देशन करेंगे अनुपम खेर। अभिनेता अनुपम खेर ने अपने 69वें जन्मदिन पर किया ऐलान। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में जमकर हो रही बर्फबारी, गंगोत्री धाम बर्फ की मोटी चादर से ढका, बर्फबारी की तस्वीरें कैमरे में कैद। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में एक बार फिर से बर्फबारी शुरू, सोलंग नाला में बर्फबारी का लुत्फ उठाते दिखे पर्यटक। बर्फबारी के बाद तापमान में आई भारी गिरावट।